हेलो गाइस, वेलकम बैक। रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स अगर आपके पास है तो फाइनली यहाँ पर एक न्यू अपडेट रोल आउट स्टार्ट हो चुका है इस डिवाइस के लिए। लास्ट अपडेट था 12.5.5.0, बट अभी यहाँ पर एक न्यू सरप्राइज अपडेट 12.5.6.0 का आ चुका है। 340 MB अपडेट का साइज है। तो आज हम बात करेंगे इसी अपडेट के बारे में, अपडेट के बाद डिवाइस में क्या कुछ चेंजेस आपको मिलते हैं, साथ में इसका रिव्यू करेंगे। अपडेट के बाद एनटीटू बेंचमार्क स्कोर, सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट, कैमरा परफॉर्मेंस कैसी है और MIUI 13 का अपडेट कब तक मिलेगा, इसको लेकर भी आपकी काफी कमेंट्स आती है, इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। और साथ में एक सरप्राइज आपके लिए, ट्रूक बड्स H2 इस ईयरबड्स का हम अनबॉक्सिंग करेंगे। काफी एग्रेसिव प्राइसिंग में लॉन्च हुई, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना। फाइनली अपडेट रोल आउट स्टार्ट हो चुका है और चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें न्यू अपडेट के बारे में, लास्ट अपडेट था 12.5.5.0, फाइनली 12.5.6.0 का एक न्यू अपडेट नोट 9 प्रो मैक्स डिवाइस के लिए अभी इंडिया में रोल आउट स्टार्ट हो चुका है। स्टेबल अपडेट है, 340 MB अपडेट का साइज। अगर हम बात करें अपडेट के चेंज लॉग के बारे में, यहाँ पर आप देखिए मार्च का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल मेंशन किया गया है। तो अगर आप चेक करेंगे अबाउट फोन में 1/3/2022 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिलता है। इससे डिवाइस की जो सिस्टम की सिक्योरिटी उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज किया गया, इसके अलावा कोई मेजर चेंजेस नहीं है। बाकी चलिए इस अपडेट के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिवाइस के एंटीटू बेंचमार्क स्कोर को हम चेक करते हैं। लास्ट अपडेट में भी हमने चेक किया था, स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट आपको मिलता है। पहले भी 298,000 के अप्रोक्स था, अभी 297,000 के अप्रोक्स आपको मिलता है। मेजर इंप्रूवमेंट्स नहीं है, वही पहले की तरह सिमिलर आपको मिल जाता है, ऐसा कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है। बाकी अगर हम यहाँ पर मल्टी टच टेस्ट करें, देख लेते हैं अपडेट के बाद 10 फिंगर्स का सपोर्ट है या फिर नहीं, BGMI, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया या फिर काफी सारे गेम है जिसको कि आप कई फिंगर से प्ले करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 5+5 10 फिंगर का सपोर्ट आपको मिल जाता है, मेजर इश्यूज नहीं है। इस अपडेट के बाद डिवाइस की कैमरा परफॉर्मेंस, इसका ऑल ओवर रिव्यू, कैसी परफॉर्मेंस आपको मिलते हैं, कौन से फीचर भी आगे ऐड होंगे, MIUI 13 का अपडेट कब तक मिलेगा, वीडियो में आगे बात करेंगे। उससे पहले जल्दी से बात करते हैं ट्रूक बड्स H2 ईयरबड्स की। तो ये आपको बॉक्स मिलता है ट्रूक बड्स H2 वायरलेस ईयरबड्स का। फ्रंट में इसकी इमेज आपको मिलता है, बैक साइड में आप देखिए ट्रूक बड्स H2 मेंशन किया गया है। यहाँ पर इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, AI पावर्ड नॉइस कैंसिलेशन आपको मिल जाता है, कॉलिंग काफी बढ़िया आपको मिलेगी, 55 ms के अल्ट्रा लो लेटेंसी का सपोर्ट आपको मिलता है। यहाँ पर गेमिंग मोड भी आपको मिलता है, कैसे ऑन करना वीडियो में आगे बात करेंगे। स्लाइडिंग मैकेनिज्म का सपोर्ट आपको मिलता है, 10 आवर्स का प्ले टाइम ईयरबड्स से आपको मिलता है, 300 ms का चार्जिंग केस है, 38 आवर्स का उससे आपको मिलता है, यानी टोटल 48 आवर्स का 2 दिन का आपको मिल जाता है। काफी बढ़िया बेस क्वालिटी है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं, इसके अंदर ये कुछ बॉक्स कंटेंट्स हैं। और इसको अगर आपको परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, Amazon Flipkart पर दोनों पर अवेलेबल है, 1500 के अंदर ये वैल्यू फॉर मनी डील बन जाती है। तो ये बॉक्स कंटेंट आप देखिए, ईयरबड्स आपको मिलता है, चार्जिंग केस है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा ईयर कैप्स आपको मिलती है, टाइप सी चार्जिंग केबल है, काफी अच्छी बात है, टाइप सी का सपोर्ट आपको मिलता है, 1 ईयर की वारंटी है, वारंटी कार्ड है, यूजर मैनुअल है, एंड साथ में स्कैन करके एप्लीकेशन के साथ भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको ईयरबड्स का केस मिल जाता है, स्लाइडर ओपनिंग आपको मिलती है, कुछ न्यू आपको मिल जाता है, और इसके ऊपर टच कंट्रोल आपको मिलते हैं, सिंगल टैप में प्ले या पॉज आप कर सकते हैं, ट्रिपल टैप अगर आप करेंगे, गेमिंग मोड म्यूजिक मोड आप इनेबल कर सकते हैं, काफी बढ़िया बेस ऑडियो क्वालिटी आपको मिल जाती है। बाकी इसके दो कलर व्हाइट एंड ब्लू, इसकी जो डिटेल्स है प्राइसिंग की सबकी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अभी अगर हम बात करें इस अपडेट के बाद सीपीयू थ्रोटल टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर लगातार 15 मिनट के सीपीयू थ्रोटल टेस्ट के बाद यहाँ पर जो परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, 89% के अप्रोक्स ग्राफ आपको मिल जाता है। मोस्टली जो ग्राफ है आपकी तरफ आपको मिलता है, स्टेबल परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है लास्ट अपडेट के कंपेरिजन में। नेक्स्ट अगर बात करें कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, कैमरा एप्लीकेशन को अगर आप ओपन करेंगे, यहाँ पर मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल भी दिखाऊंगा, अभी के लिए आप देख सकते हैं वही पहले की तरह सिमिलर है, ऐसा कोई मेजर चेंजेस आपको नहीं मिलते। बाकी कुछ कैमरा सैंपल स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ पर जो पहले की तरह कैमरा परफॉर्मेंस है सिमिलर आपको मिल जाती है, जो इमेजेस के कलर है वो काफी सही कैप्चर कर लेता है, बट अगर लो लाइटिंग कंडीशन रहती वहां पर डिटेलिंग जूम करने पर थोड़ी बहुत मिसिंग रहती है, तो ये थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी जो कैमरा परफॉर्मेंस है वही पहले की तरह सिमिलर आपको मिल जाती है, एज सच कोई मेजर चेंजेस नहीं है। बाकी अगर कुछ और चेंजेस के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आप देखिए ऐप वोल्ट, तो इस अपडेट के बाद जो ऐप वोल्ट है वही पहले की तरह पुरानी आपको मिल जाती है। इसमें जो कस्टमाइज ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है विजिट्स को, यहाँ पर ऑप्शन ऐड नहीं किया गया है, ये ऑप्शन जरूर आपको MIUI 13 में मिलेगा, अभी के लिए ऐड नहीं किया गया है। बाकी डिवाइस के नॉर्मल परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, ऐप की ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड पहले की तरह सिमिलर आपको मिल जाती है, थोड़ा बहुत यहाँ पर स्लो है, तो इसको थोड़ा फिक्स करने की जरूरत है अपडेट के बाद।
अभी अगर आप कुछ एप्लीकेशन को ओपन करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग जाता है 1 सेकंड का उनको ओपन करने में। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत इश्यूज़ है, अगर आपके डिवाइस में प्रॉब्लम है तो ऐसे में डिवाइस को आप रीसेट कर सकते हैं, डाटा इरेज होगा बट यहाँ पर डिवाइस की परफॉर्मेंस थोड़ी ऑप्टिमाइज आपको मिलेगी। अभी अगर हम बात करें MIUI 13 के बारे में, काफ़ी आपकी कमेंट्स आती है रेडमी के नोट 9 सीरीज में MIUI 13 का अपडेट कब तक मिलेगा। रेडमी नोट 9 प्रो या प्रो मैक्स कोई भी MIUI 13 का अगर आप वेट करें किसी भी डिवाइस के लिए तो मैं आपको बता दूँ क्वार्टर सेकंड में ये अपडेट आपको मिलेगा। क्वार्टर सेकंड अभी स्टार्ट हो चुका है तो ये अपडेट आपको मई या फिर जून के मंथ तक यहाँ पर जरूर से यहाँ पर बीटा टेस्टिंग के लिए रोल आउट स्टार्ट हो जाएगा। अभी 1-1.5 महीना आप वेट कर लीजिए तो जैसे अभी इसकी प्रॉपर कंफर्मेशन न्यूज़ आती है तो वैसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अभी के लिए जो अपडेट है ये हो सकता है MIUI 12.5 का लास्ट अपडेट हो MIUI 13 से पहले, क्योंकि यहाँ पर लास्ट अपडेट में काफ़ी पुराना सिक्योरिटी पैच लेवल था तो सिक्योरिटी पैच को अपडेट करना टाइम के साथ सिक्योरिटी पैच को अपडेट करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मार्च का अपडेट आपको मिल जाता है। तो अभी यहाँ पर वेट कर लेते हैं, अभी 1-1.5 महीने के अंदर MIUI 13 का अपडेट भी रोल आउट होगा तो जैसे ही यहाँ पर रोल आउट होगा वीडियो आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी MIUI 13 के बाद स्मार्ट स्लाइड बार आपको मिलेगा, यहाँ पर स्लाइड बार आपको पूरे फोन में एक्सेस मिल जाएगा होम स्क्रीन पर किसी भी एप्लीकेशन में एंड जो कि काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। और अभी के लिए अगर हम बात करें BGMI के बारे में, यहाँ पर BGMI के अंदर आप देख सकते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में गेम ट्रबो के अंदर वॉइस चेंजर का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। उम्मीद करते हैं MIUI 13 के साथ वॉइस चेंजर का ऑप्शन ऐड हो जाए जिसमें कि आप यहाँ पर गेम प्ले करते हो अपने टीममेट के साथ या फिर बाकी दूसरे लोगों के साथ आप यहाँ पर अपनी जो वॉइस है उसको चेंज करके बात कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन अभी के लिए ऐड नहीं हुआ, बाकी जो ऑप्शन है परफॉर्मेंस मोड वगैरह वो पहले ही आपको मिल जाते हैं। तो अभी के लिए गाइज ये अपडेट आपको मिल जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये अपडेट मिला या फिर नहीं, इस अपडेट के बाद कैसी परफॉर्मेंस आपको लगी। मेरा जो फाइनल कंक्लूजन इस अपडेट के बाद ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं है, जैसा पहले था डिवाइस वैसा ही सिमिलर आपको मिल जाता है। अगर आपके डिवाइस में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो इस अपडेट को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आपके डिवाइस में कुछ बग्स आपको मिलते हैं तो ऐसे में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आप अपडेट कर सकते हैं, वैसे भी ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको नहीं मिलते, मार्च का सिक्योरिटी पैच लेवल है। तो ये अपडेट था इस डिवाइस के लिए। सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, जल्दी मिलेंगे एक और ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।